तो हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर 2021-22 कक्षा 9वीं विज्ञान विषय का फुल सॉल्यूशन। यहाँ जी हाँ दोस्तों, आप पूरा इसको देख पढ़ो समझ सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करें। उससे पहले दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपने अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं और समझते हैं कि आपके कौन कौन से प्रश्न कैसे आएंगे। मैं आपको पूरा उत्तर सहित बताऊँगा। वीडियो को अंतिम समय तक जरूर देखिएगा दोस्तों। हर एक प्रश्न और उसका उत्तर भी मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। अगर बात करें यहाँ से, तो आपको इस प्रश्न को अच्छे से याद कर लेना है। और उसी के अलावा अगर आगे देखें दोस्तों, तो कुछ प्रश्न यहाँ पर दिए गए, जैसे कि तत्व किसे कहते हैं, आप इसको बहुत अच्छे से नोट कर लीजिएगा। बिल्कुल दोस्तों, आपकी परीक्षाओं में पूछा जाएगा। तो इसी क्रम में आगे देखें तो आगे कुछ प्रश्न और दिए गए, आप इसको देख सकते हो और नोट कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। आगे देखें तो दोस्तों, आगे आपसे मिश्रण एवं यौगिक मंत्र पूछा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मिश्रण और यौगिक मंत्र आपसे पूछा जाएगा। आप सभी लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ये दिया गया आपसे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप सभी लोग इसको नोट कर लेंगे। इसके अलावा दोस्तों, अगला प्रश्न जो बनता है वो ये बनता है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को सचित्र समझाइए। जी हाँ दोस्तों, आपको पूरा चित्र के माध्यम से इस प्रकार से रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को समझाना है। जी हाँ दोस्तों, ये मैं पूरा आपको बता चुका हूँ, आप सभी लोग इसको देख लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार का आपको रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल बनाकर बताना है। ये पूरा मैंने आप सबको बता दिया है। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। तो ये रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है दोस्तों, आप सभी लोगों को इसको बहुत ही अच्छे से याद कर लेना चाहिए। तो चलिए, इसी में कुछ आगे भी प्रश्न हैं जो कि अति महत्वपूर्ण है, मैं आपको बताता हूँ। और आगे देखें तो दोस्तों, यहाँ पर आपको देख लेना है ये सभी प्रश्न, वेरी वेरी IMP, कोशिका की खोज किसने की थी, या माइटोकांड्रिया, आप सभी लोग इन प्रश्नों को देखेंगे और नोट कर लेंगे। जैसे कि कुछ प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं और उसी के आगे देखें तो ये वेरी वेरी मोस्ट IMP प्रश्न है दोस्तों। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं, आप सभी लोग इसको नोट करेंगे। इसके अलावा अगर देखें दोस्तों, तो दोस्तों आपसे जंतु कोशिका एवं पादप कोशिका का चित्र बिल्कुल पूछा जाता है। वेरी वेरी IMP प्रश्न है दोस्तों, बिल्कुल आप इसको नोट कर लीजिएगा। जंतु कोशिका और पादप कोशिका का चित्र बिल्कुल पूछा जाता है आपसे, आप सभी लोग इसको नोट करेंगे दोस्तों। और उसी के नीचे देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे आपको जंतु कोशिका का चित्र भी दिया गया है। तो आप सभी लोग इसको जंतु कोशिका और पादप कोशिका के चित्र को बहुत ही अच्छे से नोट कर लेंगे दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों, अगर आगे बात करें तो जंतु कोशिका एवं पादप कोशिका में अंतर और आपको याद कर देना प्लीज़ दोस्तों। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपने अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। बिल्कुल 100% इसी प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाने हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल 100% यही के यही प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाने हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अगर देखें तो दोस्तों, अगला पार्ट ऊतक है। ऊतक वाले पार्ट में से अगर देखें दोस्तों, तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पर पहला दिया गया है ऊतक को परिभाषित कीजिए या ऊतक किसे कहते हैं। ये अगर आता है प्रश्न तो दोस्तों ये आपको लिख के आना है पूरा, आप इसको नोट करके जाइएगा, जिससे कि आप सबको ये आसानी से याद हो जाए दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों, एक प्रश्न ये याद कर लीजिएगा आप सभी लोग। और आगे देखें तो जाइलम और फ्लोएम का अंतर आप याद कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आगे दोस्तों देखें तो आप देख सकते हो, ये असमान चाल वाला एक त्वरण किसे कहते हैं। ये वेरी वेरी मोस्ट IMP प्रश्न है दोस्तों। त्वरण किसे कहते हैं, इसका SI मात्रक लिखिए, मात्रक आ जाए या SI मात्रक आ जाए तो भी आपको यही प्रश्न लिख के आना है दोस्तों। तो पूरा आप इसको नोट कर लीजिएगा, मैं और आपको जूम करके बता देता हूँ। प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में दोस्तों। आगे अगर देखें तो ये प्रश्न क्रमांक ये समझ सकते हो दोस्तों आप,
संक्रामक एवं असंक्रामक रोगों से आप क्यों समझते हो, या संक्रामक एवं असंक्रामक रोगों में अंतर पूछा जाए तो भी ये आपको पूरा लिख के आना है। आप इसको पूरा नोट कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे कि आप सब इसको अच्छे से तैयार कर सकें। तो दोस्तों अगला प्रश्न आपको देखना, परमाणु से आप क्या समझते हैं, ये पूरा प्रश्न है और ये इसका उत्तर है दोस्तों। आप सभी लोग इसको नोट कर लीजिएगा। और अगला आप देखो तो दोस्तों ये देख सकते हो, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम को लिखिए। जी हाँ दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट IMP प्रश्न है। आप सभी लोग, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो। वेरी वेरी मोस्ट है दोस्तों, आप सभी लोग इस प्रश्न को लिख लेंगे और अच्छे से नोट कर लेंगे और याद भी कर लेंगे। तो आप सभी लोग इस प्रश्न को जरूर अच्छे से लिख लीजिएगा। तो चलिए अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, द्रव्यमान एवं भार में अंतर आपसे पूछा जाएगा। द्रव्यमान एवं भार में अंतर आप इसको इस प्रकार से नोट कर लीजिएगा। वेरी वेरी मोस्ट IMP प्रश्न है दोस्तों, ये वेरी वेरी मोस्ट है। आप सभी लोग इसको जरूर बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। इसके अलावा अगर आगे देखें दोस्तों तो आपको ये प्रश्न अच्छे से याद कर लेना है, ऊतक क्या है। जी हाँ दोस्तों, ये पूरा इसका प्रश्न और इसका उत्तर दिया गया है, ऊतक क्या है, और उसी के नीचे दोस्तों ये प्रश्न दिया गया है, आप लोग इसको भी याद कर लेना है। जी हाँ दोस्तों, क्या दिया गया है, बहुकोशिकीय जीवों में ऊतकों का क्या उपयोग है। तो आप सभी लोग इन दो प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेना। और आगे देख सकते हो दोस्तों, अगर आपसे पक्षी वर्ग के लक्षण पूछे जाए तो आपको ये सभी लक्षण लिखने हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोगों को इन लक्षणों को लिखना है। ये अंडे देते हैं, ये अग्रपद होते हैं, और अंतर पूछा जाए तो इधर उधर स्तनधारी और पक्षी वर्ग में इस प्रकार से आप पूरा अंतर लिख सकते हो। विशेषता पूछे, लक्षण पूछे तो एक तरफ का लिख दो, अंतर पूछे तो दोनों तरफ का लिख देना। तो ये था पक्षी वर्ग और स्तनधारियों में अंतर। तो आगे देखते हैं, तो ये रहा दोस्तों आगे चाल एवं वेग में अंतर। वैसे तो शायद इसको पहले हमने देख लिया था, फिर भी आप इसको पूरा नोट कर सकते हो। ये भी वेरी वेरी मोस्ट IMP है दोस्तों, आपको बिल्कुल परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। वेरी वेरी मोस्ट है, सभी लोगों से निवेदन है कि इसको याद करके जरूर जाइएगा आप सभी। और ये रहा दोस्तों आपका द्रव्यमान एवं भार में अंतर, आप सभी लोगों को इसको बहुत ही अच्छे से याद कर लेना है। और अगला देखें तो आप ये देख सकते हो दोस्तों, मिश्रण एवं यौगिक मंत्र। जी हाँ दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट IMP प्रश्न है, आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मिश्रण एवं यौगिक मंत्र पूछा जाएगा, बिल्कुल वेरी वेरी मोस्ट है, आप सभी लोग इसको नोट करेंगे और याद कर लेंगे अच्छे से। आगे देखें तो दोस्तों आप देख सकते हो, चाल एवं वेग मंत्र, वेरी वेरी मोस्ट है, आप सभी लोग इसको जरूर बिल्कुल याद करके जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल यही प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आने वाला है, पूरा आप इसको याद कर कर जरूर जाइएगा। तो ये था दोस्तों पूरा आपका अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर 2021-22 कक्षा 9वीं विज्ञान विषय का, जो कि मैंने आपको पूरा फुल सॉल्यूशन के साथ में बता दिया दोस्तों। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। आप सबसे विनर भी निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। और दोस्तों इसी प्रकार के वीडियो आपको आगे भी मिलते रहेंगे, और इसी के साथ में आपको ये जंतु कोशिका पादप कोशिका का चित्र जरूर बहुत अच्छे से याद कर लेना है। और ये रहा दोस्तों आपका जंतु कोशिका का चित्र। तो इसी के साथ में दोस्तों मैं आप सबको अर्धवार्षिक परीक्षा हेतु शुभकामना देता हूँ और इस वीडियो से विदा लेता हूँ। पर प्लीज़ आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। नमस्कार, धन्यवाद।